पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। और कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। इट्स आवर प्लेजर। और खाना भी बहुत अच्छा है। थैंक यू बानी। वैसे रजत, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तू सिचुएशन से इतनी जल्दी बाहर निकला यार। वाकई कमाल की चीज है। एंड अब तो तेरी लाइफ में बानी भाभी भी आ गई हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ककन, अच्छा ये सब छोड़ो ना। आप बानी, तुम बताओ ना, तुम क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। जॉब कहाँ? अगर बानी ने बता दिया कि वो जूते की शॉप पे सेल्स गर्ल की जॉब करती है तो ये सारे के सारे उसे जज करने लगेंगे। I'm so sorry, बानी। यार मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, गलती से गिर गया। I'm so sorry. मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। कोई बात नहीं, बैठ ना। अरे भाभी, आपको पता है मैं और रजत ना एक ही बैच में सीए की स्टडी करते थे, और हमारे बैच में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पता कौन था? आपके मियां जी। पर पता नहीं क्यों एक ही ग्रुप में टॉप करने के बाद इसने स्टडी को छोड़ दी। यार बहुत लेट हो गए यार। बानी, आई थिंक हमें चलना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है ना। डैडी जी ने कहा था घर जल्दी आने को, पता है मेरे दिमाग से उतर गया। लेट्स गो बानी। अरे रजत, बात तो सुन, अभी पार्टी यार पूरी नहीं हुई तू। अरे नहीं भाई, बात समझ, मैं जेन्युइनली अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू गाइस। हां, थैंक यू सो मच। चलो बानी चलो। पानी तो गिरा था, सूख जाता। ऐसे ऐसे सडनली जाने की क्या नीड थी? गगन, तुम भी ना, कहीं बानी ने लावण्य वाली बात तो नहीं सुन ली? पक्का अचानक से इनके बीच कुछ हुआ है जिससे ये डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो गई है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। भाभी, शिल्पा भाभी, कहीं आपके टॉप्स बानी भाभी ने तो नहीं ले लिए? मेरा मतलब है कि घर में एक वही है जो पैसा पैसा करती रहती है, हो सकता है कि उन्होंने ली हो। और उठ जानिए, हार्ट अटैक कराना मुझे। कान तो तेरे घर वाले का खराब है, नहीं तो मेरे कान में बैठ के गल करनी सी। ओ पीपे, एक मिनट, मैं क्या सोच रही थी, ऐसा तो नहीं मेरे टॉपर्स पानी ने लिए हो? हो सकता है, सारा दिन पैसा 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 करती रहती है। अब तक तो तेरे टॉपर्स उसने बेच भी दिए होंगे। क्या? अगर बानी ने मेरी बालियां बेची होंगी ना तो देख लेना, मैंने उसको छोड़ना नहीं है। और शिल्पा, एक मिनट, क्या बकवास करती जा रही है? बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है। नहीं, मैंने बोला है। जैसे भी मिले बेबे, बानी ना हमेशा पैसों के बारे में नहीं, हम सबकी भलाई के बारे में सोचती है। आहो, माना कि वो मनी माइंडेड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। मैंने कहा ना, उसने संभाल के रख दिए होंगे। ऐसे कैसे संभाल दिए होंगे? मेरी चीज है, मेरे से बिना पूछे हाथ कैसे लगाया? मैं बता रही हूँ मम्मी जी, अगर मेरे टॉपर्स नहीं ना मिले तो मैंने चैन से नहीं बैठना, और ना मैंने किसी को बैठने देना, बता रही हूँ मैं। बानी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें किसी बात का बुरा लगा? बानी, मैंने ये सब तुम्हारी रेपुटेशन के लिए किया, तुम्हारा मान बचाने के लिए। मान? जूतियों की दुकान पे काम करने से मान कम हो जाता है क्या? रजत जी, मैं वहाँ चोरी चकारी नहीं करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मेहनत से पैसे कमाती हूँ। बानी, तुम मुझे गलत समझ रही हो यार। मुझे तुम्हारे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उन लोगों की सोच से है। बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं उन्हें और उनकी सोच को।
तुम्हें पता है कॉलेज के बाद से ही मैंने इन लोगों से मिलना बंद कर दिया था, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को बहुत जज करते हैं यार। कौन कहां पहुंच गया, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसके पास कौन सा फोन है। वो गगन हमारी सोसाइटी में मेरे साथ पला बड़ा है, वो सेम स्कूल सेम कॉलेज, लेकिन जैसे ही बड़े कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुआ उसका एटीट्यूड ही बदल गया, बंदा ही बदल गया यार। पानी मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था उनमें से कोई भी तुम्हारी मान को तेज पहुंचे। देखना रजत जी, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगी ना कि आप पूरे घर के साथ सिर उठा के बोलोगे कि मेरी वोटी ये काम करती है। बस पुत्र बस। मम्मी जी, आज तक इस घर में मेरी इतनी सी सुई भी नहीं खोई है और मेरे टॉपर्स। ओ बेटा मिल जाएंगे। मैं कह रहा था चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले टॉपर्स यार। अब लगता है जो घर में नहीं है ना उनकी तफ्तीश करनी पड़ेगी। शिट, बात तो बहुत बढ़ गई, अंदर जाके बालियां वापस भी तो नहीं रख सकते। जब से ये बानी आई है ना इस घर में सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। सीधा कुछ नहीं हो रहा, उल्टा ही उल्टा हो रहा है सब। पहले तो मैं बिना सोचे समझे अपने कमरे में अपना सामान रख लेती थी, लेकिन अब तो मेरा कमरा भी मेरे हाथ से गया और मेरी चीजें भी गायब होने लगी हैं। पुत्र ऐसे शक नहीं करते बानी पे। पुत्र तू टेंशन क्यों ले रही है, वो आस्था बता रही थी ना, हो सकता है उसने कहीं रख दी हो संभाल के। आहो मिल जाएगा। ऐसे कैसे मेरी चीज को उसने हाथ लगाया? आपको पता है किसी की चीज को बिना पूछे हाथ लगाना चोरी कहलाता है? आपकी बानी ना चोर है। क्या ये आप क्या कह रहे हो जी? आप लोग मेरी पानी को चोर बुला रहे? बहन जी आप ना गलत समझ रहे हो शिल्पा का कहने का मतलब। रहने दो बहन जी, हमने सब सुन लिया। तो इसमें इतना बुरा मनाने की क्या जरूरत है? ओ भाई सोने की चीज है, देख के किसी के मन में भी चोर आ सकता है। और बानी तो फिर है ही छोटे घर की, उसी पे शक जाएगा ना। बेबे ये क्या बोले जा रही हो, जरा सोच के तुम। माफ करना बेबे, आप तो इस घर में सबसे बड़े हैं, आपको तो लोगों की समझ होनी चाहिए। मुझे लगता आप ना बानी के बारे में गलत सोच रहे हो, आप उसको समझ नहीं पाए। मेरी बानी दी चोर नहीं है। शरण बहन जी मैं माफी मांगती हूँ जी, वो शिल्पा ना थोड़ी मुंह फट है जी, जो मन में आता ना बोल देती है। बेचारी थोड़ा घबरा गई थी, उसके मामा की ना आखिरी निशानी थी वो गोल्ड के टॉपर्स जो मिल नहीं रहे। ये लो जी पुत्र जी, ये ना खरे सोने के, लेकिन ये ख्याल अपने मन से निकाल दो कि गरीब की बेटी है तो कुछ भी बोल देगा। और नहीं नहीं आंटी जी, मेरा मतलब वो नहीं था, वो तो बानी हमेशा पैसा पैसा करती रहती है, इसलिए मैंने बोला था वो घर से चीजें चुराएगी। आपको क्या लगा पुत्र जी के आपके ये टॉपर्स चुरा के बेच के उसने हमें पैसे दिए? ओ नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा ना सोचो। ओ बानी तो जी हमारी लाडली बन चुकी है पूरी, और उसको कोई यहाँ पे गलत नहीं समझ रहा, बल्कि उसको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं हम सारे। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था, शिल्पा को ऐसा लग रहा है कि बानी ने ना उसके साथ मजाक किया था और उसके टोपस कहीं पे ऐसे इधर उधर रख दिए, छुपा छुपू दिए। छुपा दी से क्या मतलब है आपका? बानी कोई बच्ची है जो ऐसी चीजें कहीं भी रख के छुपा देगी? वो दरानी जठानी की बहुत ज्यादा बनती है इनकी। और ये रखो जी आप वापस, कैसी बातें कर रहे हो आप? और सारे घर में ढूंढ लिया कहीं नहीं मिला, एक बानी रह गई है उसी पे शक करेंगे ना, और आंसू बहाने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। बेबे जब बेटी पे इल्जाम लगता है ना तो माँ की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और रही बात छुपाने की बेबे, तो छुपाया तो आपने भी है, आपका दामाद सब लोगों से धोखाधड़ी करके शेयर घोटाले में जेल में बंद है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।